नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किए। मोदी ने कहा, मेरी मां 100 साल की, उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख दौरा, आज सेना की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अहमदाबाद में पीएम मोदी आज जैन गार्डन और केजान अकादमी का करेंगे उद्घाटन। भारत जापान के रिश्ते होंगे मजबूत। असम में हाई पॉजिटिविटी वाले जिलों में 24 घंटे कोरोना कर्फ्यू, कम केस वाले जिलों में ढील। नरवल इलाके से एक आतंकी गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया 5 किलो आईडी बरामद। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। एक बार फिर शाहजहांपुर जनपद में महिला सशक्तिकरण अभियान तार-तार हुआ। आपको बता दें कि महिला से दबंगई करते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मोहब्बतपुर गांव की एक महिला पर दबंगों का कहर इस कदर टूट पड़ा कि मामूली से विवाद में महिला पर जुल्म ढाया गया। महिला को बाल पकड़कर घसीटा गया, फिर डंडों से उसकी पिटाई की गई। इसके बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। शाहजहांपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर महिला सशक्तिकरण अभियान पूरी तरह से तार तार होता दिखाई दिया है। यहां पर महिला से दबंगई करते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मोहब्बतपुर गांव की एक महिला पर दबंगों का कहर इस कदर टूट पड़ा कि मामूली विवाद में महिला पर जुल्म ढाया गया। महिला को बाल पकड़कर घसीटा गया और फिर उसकी डंडों से पिटाई कर दी गई, और इसके बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरेंद। तो अरेंद, आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह का मामला जो है वो लगातार सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर शाहजहांपुर की बात की जाए, तो शाहजहांपुर में जो महिला सशक्तिकरण जो अभियान है जो योगी सरकार ने चलाया है, ये लगातार यहाँ पर तार तार होता नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है उस पर कोई भी मुहिम तो काफी पुलिस प्रशासन छेड़ रहा है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो महिलाओं के साथ कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं है जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। आए दिन ऐसी घटनाएं होना कोई ये नई बात नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं शाहजहांपुर में होती रहती हैं। और जिस तरीके से इस मामले में अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कुछ दबंग लोग थे जो उनकी जो महिला जो पिटाई हो रही जिसकी, उसकी जमीन पर जबरदस्ती नाली निर्माण करना चाह रहे थे, जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने पर जो दबंग लोग थे, वो कम से कम एक दर्जन से अधिक थे, वो सभी लोग लाठी डंडों से जिस तरीके से पिटाई करने लग गए। ये कोई जिस तरीके से घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, एक जिससे कोई बड़ी घटना होने के तरीके रहते हैं। ये गांव मोहब्बतपुर का है, जहाँ का मामला पूरा, जहाँ के लोगों ने बताया है कि इस काफी लोगों ने बचाने की प्रयास भी किए, लेकिन जो दबंग लोग थे वो इस तरीके से हावी हो गए कि बचाना वहाँ के लोगों ने भी मुनासिब नहीं समझा। महिला की इस तरीके से पिटाई कर दी गई। अरेंद, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से महिला के साथ ये घटना हुई और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की है? शाहजहांपुर पुलिस का ये जब इस संबंधित वीडियो वायरल किया गया है, तो अभी तक कोई भी थाना अध्यक्ष से लेकर कोई SPRA तक अभी कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि इस महिला की इस घटना पर कार्रवाई की जाए, जबकि महिला ने प्रार्थना पत्र थाने पर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। लेकिन अभी तक कोई भी, क्योंकि दबंगों का जो संरक्षण है वो थाने पर काफी चढ़ा बड़ा नजर आ रहा है, जिस तरीके से जो कार्रवाई अनबनी बनी हुई है। जब इस बारे में जब थाना अध्यक्ष हरपाल सिंह वालियान से फोन SOG नंबर पर ऑनलाइन संपर्क करने की भी कोशिश की, तो उन्होंने फोन रिसीव ना करने की मुनासिब समझी।
बहुत बहुत अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर ये शाहजहांपुर से, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस की ये बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, क्योंकि शाहजहांपुर जनपद में महिला सशक्तिकरण अभियान पूरी तरह से तार तार हुआ है। यहाँ पर महिला से दबंगई करते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है। आप तस्वीरों में भी लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ दबंगों ने महिला से मारपीट की। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की है। लगातार फोन भी किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिसकर्मियों पर खड़ा होता है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये पूरा मामला मोहब्बतपुर गांव का है, जहां पर एक महिला पर दबंगों का कहर इस कदर टूट पड़ा कि मामूली विवाद से महिला पर जुर्म ढाया गया है। महिला के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया और फिर उसकी डंडों से यहां पर पिटाई कर दी गई। इसके बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर पुलिस ने छात्रों को जागरूक करते हुए शपथ दिलाई है। थाना प्रभारी तिलहर हरपाल सिंह बालियान ने वीडियो जारी कर लोगों को नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है और साथ ही जागरूक भी किया है। थाना प्रभारी द्वारा कस्बा में कॉमेडी 19 के नियमों का पालन करते हुए नुक्कड़ सभा कर क्षेत्रवासियों को मादक पदार्थों के कुप्रभाव और नशे के कारण समाज में फैल रही तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जानकारी के साथ साथ इससे बचने के उपाय भी बताएं और दुरुपयोग, अवैध व्यापार, तस्करी बंद कराने में पुलिस का सहयोग करने, सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। मैं हरपाल सिंह बालियान, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तिरा, जनपद शाहजहांपुर। आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं व्यापार निषेध दिवस के अवसर पर अपने थाना क्षेत्र तिरा, जनपद शाहजहांपुर, अपने उत्तर प्रदेश एवं देशवासियों से अपील करता हूं कि इस गंदगी को साफ करने के लिए पुलिस का सहयोग करें। यदि आपके घर के आसपास, मोहल्ले में, गली में या आपके कस्बे में कहीं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण या दुरुपयोग हो रहा है, इसकी सूचना निसंकोच पुलिस को दें, ताकि पुलिस इस गंदगी को साफ कर सके। धन्यवाद। निषाद पार्टी के आईटी सेल के पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कई जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को विभूतिखंड पुलिस ने खदेड़ दिया। राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके के पार्श्वनाथ अपार्टमेंट का ये मामला है। वहीं पार्टी की इस गतिविधि की जानकारी होने पर पार्श्वनाथ वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष विकास सिंह और सोसायटी के लोगों ने भी कड़ा विरोध किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय निषाद, सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र मणि निषाद, प्रांतीय अध्यक्ष व्यास मुनि निषाद, बाबू रमा निषाद मौजूद रहे। वहीं कौशाम्बी जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी से विजमा दिखाकर, आपको बता दें कि विजमा दिवाकर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। विजमा यादव के साथ भी कई दिग्गज यहां पर शामिल रहे। जिला पंचायत में 26 सदस्य हैं। जीत के लिए 14 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास केवल 7 सदस्य हैं। किस तरह से समाजवादी पार्टी 14 सदस्यों का समर्थन जुटा पाएगी, इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्हें निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिला हुआ है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विजमा यादव ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता देवा। तो देवा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी से विजमा दिवाकर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया और भी कई पार्टी, क्या लगता है जीत किसकी है? जी मैडम, अभी तो उम्मीद जो है निर्दलीय पार्टी के जो भी नेता जीते हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, जिनको बीजेपी में जीता जाने की उम्मीद दिखाई दे रही कौशाम्बी से। और विजमा जी का कहना है कि निर्दलीय हम लोग जुटा चुके हैं, इस समय जो है समाजवादी की
जिलाध्यक्ष जी जो है जिलाध्यक्ष यहाँ पे बिजमा ही बन पाएंगे जी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जीत के लिए 14 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी की तो उनके पास केवल 7 ही सदस्य हैं यहाँ पर। मैडम बिजमा जी ने बोला कि हमारे पास 14 जो निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं सदस्य वो हमने इकट्ठा कर चुके हैं, यहाँ पे हम समाजवादी की ही जिलाध्यक्ष बनाएंगे, ये हमारा डन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद देव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर से खबर थी जहां पर आपको बता दें कि किस तरह से पार्टी 14 सदस्यों के समर्थन जुटा पाएगी, इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि उन्हें निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिला हुआ है। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद विजमा यादव ने कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है। रुक करते अगली खबर की ओर। कानपुर के युवा कारोबारी संदीप सोनी ने लकड़ी पर संपूर्ण राम रक्षा स्रोत को बेहद खूबसूरत तरीके से उकेरा है। इस राम रक्षा स्रोत को कानपुर दौरे पर आए राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री भेंट करेंगे। संदीप के मुताबिक इसे बनाने में उन्हें करीब 4 महीने का लंबा वक्त लगा। इसे बनाने को लेकर संदीप ने बताया कि वे इसे बनाकर राष्ट्रपति को दिल्ली में जाकर अपने हाथ से भेंट करना चाहते थे, लेकिन जब मालूम चला कि वो खुद कानपुर आ रहे हैं तो उन्होंने इसे बनाने में रात दिन एक कर दिया। आपको बता दें कि संदीप सोनी ने साल 2016 में पीएम मोदी को लकड़ी पर गीता उकेरकर भेंट की थी। अब संदीप भविष्य में सीएम योगी को भेंट करने के लिए हनुमान चालीसा तैयार कर रहे हैं। वहीं यूपी के जनपद बुलंदशहर में भाजपा के जिला पंचायत प्रत्याशी अतुल देवतिया निरुद्ध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। रालौद की प्रत्याशी आशा यादव के नजरबंद होने के कारण दूसरा नामांकन नहीं हो सका। वहीं एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल होने से निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। अब बुलंदशहर जिला पंचायत की अध्यक्ष भाजपा की अतुल देवतिया होंगी। वहीं पिडौरा में दबंगों का बोलबाला है। दबंगों ने लाठी डंडे और तमंचे के बल पर किसान के खेत में जबरन चक्र मार्ग निकाला। दबंगों ने ट्रैक्टर से किसान के मकान की दीवार तोड़ जबरन चक्र मार्ग निकाला। वहीं किसानों के विरोध करने पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। वहीं पीड़ित का ये आरोप है कि शिकायत के बाद भी इलाका पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। किसान ने उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत की। दबंगों ने किसान को ठिकाने लगाने की भी धमकी दी है। तो आगरा से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दबंगों ने लाठी डंडे और तमंचे के बल पर किसान के खेत में जबरन चक्र मार्ग निकाला है। दबंगों ने ट्रैक्टर से किसान के मकान की दीवार तोड़ जबरन चक्र मार्ग निकाला। वहीं किसानों के विरोध करने पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया। पीड़ित का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी इलाका पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। किसान ने उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत की। दबंगों ने किसान को ठिकाने लगाने की भी धमकी दी है। ये है कि यहाँ पर जबरदस्ती मेरा चक्र रोड निकाला जा रहा है। सब लोगों ने मिलकर मेरी मतलब जगह में कब्जा करना चाहते हैं। सेंटर पूरा यहाँ पर रास्ता है नहीं, तो अभी ये ट्रैक्टर से मट्टी खींच के मेरे मतलब चक्र रोड बनाने की कोशिश पूरी मतलब जबरदस्ती काम कर रहे हैं। मिट्टी कहाँ से आपके जमीन से ली है? मिट्टी मेरे खेत से ली है, मेरे खेत से ली है और मेरी जगह में ही डाली है इन लोगों ने। मेरा कोई है नहीं, आगे पीछे मैं अकेला आदमी है। ये कौन डलवा रहा है मिट्टी? ये मेरे पड़ोसी आदमी है। क्या नाम है उनका? उनका कीर्तराम नाम है या हरमान नाम। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकियों का खौफ बना रहता है। आए दिन आतंकी हमला करते रहते हैं। वहीं कल भी जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाके हुए। लगातार 2 धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात 2 धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। हालांकि इन धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। वायुसेना ने ट्वीट कर बताया कि पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ। धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है। धमाकों में अब आतंकी हमले का एंगल भी सामने आ रहा है।
जांच के लिए एनआईए और एनएसजी की टीम एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक हुई जांच में ड्रोन से आईडी गिराने का शक जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए आईडी गिराए गए, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन और बॉर्डर के बीच महज 14 किलोमीटर की दूरी है और ड्रोन के जरिए 12 किलोमीटर तक हथियारों को गिराया जा सकता है। ड्रोन हमले के अंदेशे के चलते अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा एयरबेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन धमाकों को अंजाम देने के लिए दो ड्रोन का इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। इस बात की आशंका और भी गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि असलहा बारूद गिराने वाले ड्रोन को रडार में पकड़ने में दिक्कत भी आती है। पहले भी कई बार ऐसे ड्रोन रडार की पकड़ में आने से बच चुके हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि जल्द ही वायुसेना की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम जम्मू पहुंचने वाली है। सूत्र बताते हैं कि हमलावरों का टारगेट एयरबेस में खड़े एयरक्राफ्ट थे। हालांकि किसी भी इक्विपमेंट या एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं अभी जांच की जा रही है कि क्या ये ड्रोन हमला ही था या किसी और वजह से धमाका हुआ। लेकिन सूत्रों का कहना है कि वायुसेना की पेट्रोलिंग टीम ने हथियारों को गिरते देखा था। अगर इस धमाके के पीछे ड्रोन हमले के सबूत मिल जाते हैं तो ये देश का पहला ऐसा ड्रोन हमला होगा जो भारत के किसी सैन्य ठिकाने पर हुआ है। धमाके पर जम्मू पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ये एफआईआर यूपीए की धारा 16-18 और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज हुई है। इस हमले की जांच अब आतंकी हमले की तरह की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बात की है और मामले पर जानकारी ली है। हालांकि अभी धमाकों में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कुछ साफ साफ कहा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं एयरफोर्स स्टेशन पर ही कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिस वजह से धमाका हो गया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मार्तंड। तो मार्तंड, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से ये धमाके हुए, एनआईए की टीम भी लगातार जांच में जुटी हुई है, क्या लगता है अभी तक कोई निष्कर्ष निकल कर सामने आया है? एक हाई लेवल जांच कमेटी गठित की गई है, एनआईए भी इसमें जांच कर रही है। आपको बता दें, पूरा मामला जो है वो करीब 1:45 रात का है। 5 मिनट के अंतराल पे दो धमाके हुए थे और ये टेक्निकल एरिया जो था जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का, उसके पास में ये धमाके हुए। हालांकि धमाकों की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी और किसी भी इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन हमला किसने किया, किसने करवाया, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, किस संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ, एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे, जम्मू का मुख्य जो एयरपोर्ट है वो भी उसी हिस्से में आता है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में इस तरीके का पुलवामा के बाद देखें तो कुछ शांति थी, हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर ये ऐसी घटना कहीं ना कहीं ये एक साजिश को की तरफ इशारा करिए कि आतंकी संगठन या जो दूसरी एजेंसियां हैं अपने दुश्मन देशों की, वो कहीं ना कहीं जो इसमें इन्वॉल्व है, इसकी जांच की जा रही है। और इसमें जो है रक्षा मंत्री ने, जो एयर मार्शल है विक्रम सिंह, उनसे बात की है। और रक्षा जो एयर मार्शल है विक्रम सिंह, वो शायद जम्मू पहुंच भी रहे हैं इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए। हालांकि गनीमत की बात यह है कि किसी उपकरणों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे एयरक्राफ्ट खड़े थे और शायद उन्हीं को निशाना बनाया गया था, लेकिन चूंकि जो हमलावर थे वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके और गनीमत है कि किसी इक्विपमेंट को नुकसान नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये भी मार्तन बताया जा रहा है कि ये ड्रोन हमला था या फिर किसी और वजह से ये धमाके हुए हैं, तो क्या अभी तक इसका कोई कारण स्पष्ट हो पाया है?
देखिए अभी जो है कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें इन हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल जरूर किया गया ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अब पूरा मामला क्या है और किन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ये हमला किया गया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नापाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और एक और जरूरी चीज आपको बताते हैं, जरूरी जानकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जो है शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास 5 किलो आईडी बरामद हुआ है, उसकी भी जांच की जा रही है और इस तरीके से भी जांच की जा रही है कि कहीं इसका संबंध ये जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे जो ये हमला हुआ है इससे तो जुड़ा नहीं है। हालांकि अभी इस पूरी मामले में जांच चल रही है, हाई लेवल एक टीम गठित की गई है, एनआईए उसमें खुद शामिल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस उसमें है, तो वो जो भी होगा वो जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मार्तंड आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तंड जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार एनआईए की टीम जांच कर रही है। हालांकि अभी कारण इसके स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि ये कोई ड्रोन हमला था या फिर किसी और वजह से ये हमला हुआ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकियों का खौफ बना रहता है और आए दिन आतंकी हमला भी हुआ करता है। वहीं कल भी जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाके हुए हैं, लगातार 2 धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया हुआ है। और आपको बता दें कि लगातार एनआईए की टीम जांच कर रही है कि क्या ये आतंकी हमला था या फिर किसी और वजह से ये धमाका हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।